अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलक एनआरआई थी, वो यूएस में रहती थी और वो मुझे छोड़कर चली गई थी। पलक जाने से पहले अपना फोन यहीं छोड़ गई थी। हाँ, वो मर चुकी है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने तो कहा था कि वो यूएस में, और अब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। आप बोल रहे हैं वो मर चुकी है, उसकी अस्थियां यहाँ, और ये अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? आपकी अर्धांगिनी हूँ, सच जानना हक है मेरा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट में। वो मर चुकी है। कैसे भरोसा करूँ मैं आपको? झूठ बोलना आपकी आदत है। आपने हर पल हर वक्त मुझसे सिर्फ झूठ ही बोला है, तो आपके सच और आपके झूठ में कैसे फर्क करूँ? रुको, कहाँ जा रही हो? मैं कह बंद करो ये सब। जी माँ, वही करने जा रही हूँ, सब खत्म करने। आपके बेटे बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। प्यार करना, ख्याल रखना सब आता है उन्हें, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में इतना काफी नहीं होता। और भी कई पहलू होते हैं इस रिश्ते के, जिनमें आपका बेटा हर बार हार रहा है। आप मुझे यहां रोक रही हैं, लेकिन आप एक बात बताइए,
अगर आप मेरी जगह होती तब आप क्या करती? अगर तारा मेरी जगह होती तब भी आप उसे रुकने को बोलती? तब भी आपके बेटे की अहमियत आपकी नजरों में वही होती? बस मेरे बेटे की अहमियत जानना चाहती हो तुम? चलो आज मैं तुम्हें एकांश की अहमियत बताती हूं। एकांश, पता लगा लाल जोड़े में कौन है। अच्छा हुआ मैं को पूरा सच पता नहीं चला। अगर उसे पूरा सच पता चल जाता तो मैं आज ये बाजी हार जाता। लेकिन इसके पीछे जो कोई भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये अभी यही पहुंचाएगा मुझे उस तक। बैठो। यहां क्यों लेकर आए आप मुझे मां? अपने बेटे की अहमियत बताने के लिए। ये बताने के लिए कि जितना अच्छा वो बेटा है उससे अच्छा पति है, क्योंकि उसकी पहली शादी परफेक्ट थी, मगर दूसरी एकांश के अतीत के बारे में जानना चाहती हो ना? ये लो देख लो। एकांश से अच्छा बेटा किसी मां बाप को नहीं मिल सकता। घर का सबसे जिम्मेदार इंसान है, पूरे परिवार को बांध कर रखता है। पलक से बहुत प्यार करता था एकांश, उसकी खुशी के लिए तो जान तक दे सकता था मेरा बेटा, मगर उस प्यार के बदले में क्या मिला एकांश को? धोखा, फरेब। छोड़कर चली गई वो लड़की, उसे पलट कर देखा तक नहीं, यहां तक कि अपना फोन भी यहीं छोड़कर चली गई ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। लेकिन लेकिन मां, उसकी मौत कैसे हुई? एक हादसे में। पलक से जितना प्यार करता था ना एकांश, उससे ज्यादा वो तुमसे करना चाहता है, पर तुम मौका दो तब तुम तो उसके अतीत को कुरेदने में लगी रहती हो। सॉरी मां, पर अगर आप लोग ये सच हमें तभी बता देते जब आप हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे तो आज ये नहीं होता। अगर मुझे ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में सच पता चलेगा तो मैं क्या करूंगी? हमने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इस घर में उस लड़की का नाम कोई नहीं लेना चाहता। एकांश के लिए उसके अतीत का वो हिस्सा एक बंद किताब की तरह है, जिसे वो दफनाना चाहता है, खोलना नहीं। पर तुम महक, तुम तो उसके आज और आने वाले कल को छोड़कर उसके अतीत में जीना चाहती हो। दुल्हन बनाकर लेकर आया है वो तुम्हें इस घर में, राजकुमारी बनाकर रखना चाहता है। तुम्हारा बर्ताव तो ऐसा है जैसे कि तुम उससे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि अगर प्यार करती तो इस तरह उसे दुख नहीं देती। नहीं मां, ऐसा नहीं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं। मैं बस उन्हें समझ नहीं पा रही। तो
उसे समझने की कोशिश करो, उसे वक्त दो, उसका साथ दो, आने वाले कल पर ध्यान दो, बीते हुए बुरे साए पर नहीं। उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? जी। ये तुम्हारे लिए हमारा खानदानी हार है। छह पुश्तों से हर सास अपनी बहू को देती आई है। ये खानदानी हार खानदानी बहू को देने के बजाय एक मामूली सी लड़की को दे रहे हैं। शायद मम्मी भूल गई कि मैं इस घर की बड़ी बहू। तुझसे पहले मैं बहू, मुझे भी नहीं मिला आज तक ये हार। मैं जाती हूँ रिसेप्शन पर, तुम इसे पहनो। ये लो। अरे ये कैसा बॉक्स है? क्या ये? किसने मंगवाया ये? कहीं ये बॉक्स में बॉम्ब तो नहीं है? मेरे बोलने का ये मतलब है अब एकांश के इतने दुश्मन है तो किसी ने भी कुछ भी भेज दिया होगा, या फिर किसी की लाश। इस घर में कुछ भी हो सकता है। ये बॉक्स तो हिल रहा है। आप सब लोग पीछे हटिए, नायक तुम भी। मैक, ये तोहफा हो या किसी की लाश, लेकिन ये मेरे परिवार की बात है और मेरे होते हुए मैं इस पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। तुम यहीं रुको। ये कांड संभाल के। भाई साहब, तुम नहीं, मेरा भूत है। मेरा बेटा कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी? मेरा मान, मेरी शान, मेरा बेटा। कैसे हैं पापा? कैसे हैं आप? कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? ठीक हूँ। ध्रुव, ये क्या तरीका है आने का? डरा दिया तुमने हम सबको। बड़ी माँ, आपको तो पता है अमेरिका में सब कुछ कितना फीका फीका है, वहाँ की लाइफ, वहाँ का खाना, सब कुछ। इसीलिए मैंने सोचा अपनी एंट्री थोड़ी चटपटी हो जाए।
क्यों भाई? बेटा काम कैसा चल रहा है? हर साल की तरह प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है पापा। वैसे ध्रुव तुम अपने बड़े भाई की शादी में क्यों नहीं आए? अरे अगली शादी में आऊंगा ना। क्या मतलब अपनी शादी में आऊंगा ना? अगला नंबर तो मेरा ही है। तो आप होंगी एकांश की बीवी? अब भाभी मैं आपका देवर हूं ध्रुव अग्निवंशी। वैसे एक राज की बात बताऊं, आप बहुत खूबसूरत हैं। ध्रुव थक गए होंगे इतने लंबे सफर के बाद, जाओ जाकर आराम कर लो। जी बढ़िया। एकांश और ध्रुव एक ही घर में पले बढ़े हैं, फिर भी इतने अलग हैं। इस घर के अजीब रिश्ते, ये राज, ये सब जानने के लिए मुझे अपनी छानबीन जारी रखनी होगी। मुझे पलक का सच जानना होगा। छोटी गुड़िया प्यारी है, बड़ी गुड़िया से दुलारी है, लेकिन बड़ी गुड़िया आएगी, छोटी गुड़िया को ले जाएगी। छोटी गुड़िया प्यारी है, बड़ी गुड़िया से दुलारी है, ले। बड़ी गुड़िया? नहीं नहीं तारा, मैं छोटी भाभी हूँ। क्यों क्यों आई हो आप यहाँ पे? तारा मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कल रिसेप्शन पे हमने तुम्हारे लिए एक डांस तैयार किया, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए? छोटी गुड़िया आपको आपको एक बात बताऊं, मैं ना पहले बहुत अच्छा डांस करती थी, बहुत अच्छा, फिर ना वो नहीं, वो मत, शांत हो जाओ, हम कभी साथ में डांस करेंगे ना, चुप हो जाओ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि बड़ी गुड़िया कैसे मरी? मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मत बताओ, बस शांत हो जाओ, मत बताओ। अब मेरे सवालों के जवाब शायद एकांश के ही कमरे से मुझे पता लगे।
एकांश। माँ आपने महक को देखा? हाँ, तारा के कमरे में है वो। पलक की मौत के बारे में पूछ रही है उससे। क्या कर रहा है? पहले उसने तेरा फोन ले लिया, तुझे पता तक नहीं चला, और अब ये। ध्यान रखना उस पर। हाँ माँ, मैं का ध्यान भटकाने के लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या? एक सबूत जिससे महक का ध्यान पलक को ढूंढने से हटकर मेरे साथ उस लाल जोड़े वाले को ढूंढने में लग जाएगा।